वो अपनी गाड़ियों से स्टील की रॉड्स और डंडे निकाल के हमारी गाड़ी की तरफ आने लगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैं इस वीडियो से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये इंसिडेंट हुआ था एक दिन पहले, जिसमें गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज जा रही थी रोडू हार्ट 22 रोडू, तो आपने देखा होगा कि किस तरह रैश ड्राइविंग हो रही थी दोनों साइड से। आप लोगों ने शायद बहुत गलत भी सुना होगा कि पिकअप वाला गलत है, कहीं थार वाला गलत है, या स्कॉर्पियो वाला गलत है, या ऑल्टो वाला गलत है, जो भी आपने सुना। इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा यूथ क्या कर रहा है आजकल, क्या कुछ नशे में क्या कर रहा है, उसको क्या पता नहीं लग रहा है, वो क्या करना चाहिए उसे। तो मेरे सामने जो उस इंसिडेंट में थे मिस्टर अनिकेत रियान, जो कि चटगांव से है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि उस टाइम क्या हुआ था, ये कैसे हुआ। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल साउथ मूवी वाला सीन क्रिएट कर रहे हैं लोग, तो आप बताइए कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थैंक यू सचिन भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सारा मामला था ये शुरू कहाँ से हुआ। ये एक हफ्ते पहले हमारे जो पॉलिटेक कॉलेज है उसके गेट के पास एक स्कॉर्पियो में एक लड़का आता है जिसका नाम हर्ष था। वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था, बहुत स्पीड में था। उसने हमारे कॉलेज के बाहर 3-4 चक्कर ऊपर नीचे मारे बहुत तेज। 5वें चक्कर में जब वो ऊपर से नीचे को आ रहा था तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है पॉलिटेक्निक कॉलेज की, मैं वहाँ खड़ा था उसके गेट के पास। वहाँ पे एक गाय थी और वो स्कॉर्पियो वाला ऊपर से इतनी स्पीड में आया, उसने गाय को टक्कर मारी और गाय वहीं गिर गई और वो भागता भागता नीचे कॉलेज के गेट के पास रुक गया। तो मैं उस गाड़ी वाले के पास गया, मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे कैसे तू गाड़ी ड्राइव कर रहा है यहाँ पे, तू आज तो गाय है, गाय की जगह तू आदमी मुड़ा देगा तेरे को फिर भी पता नहीं चलेगा। और मैंने उसको बोला कि तू गाय को हॉस्पिटल ले जा, इसका इलाज करा। और वो उस टाइम सॉरी बोलने लग गया कि गाड़ी स्पीड में थी, कंट्रोल नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, और वो बात वहीं ख़त्म होगी। तो उसके बाद क्या हुआ, पिछले कल के एक दिन पहले मैं शिवांग भैया है, एक शिवांग शुक्ला जो कि बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे PWD में, मैं उनके साथ उनकी साइट पे गया जुब्बल। तो वहाँ पे उनका काम चला हुआ था पाइप्स का, तो हमने वहाँ पे मशीन छोड़नी थी, हम पिकअप में थे। तो जब मैं वहाँ पे था मेरे को कॉल आती है उसी लड़के की जो उस दिन एक हफ्ते पहले उस स्कॉर्पियो को चला रहा था। वो स्कॉर्पियो किसी और लड़के की थी, उसका नाम है तेजल सिंह चौहान जो कि खड़पत्थर से है। उसने अपनी स्कॉर्पियो उस लड़के को दी थी जिसने उस दिन गाय को मारा। तो मेरे को उन दोनों का कॉल आता है, वो मेरे को बोलते हैं कि भाई जी आप कहाँ हो, हमने आपसे मिलना है, हम आपके कॉलेज के गेट के बाहर हैं। तो मैंने ऐसे, मेरे को नहीं पता था कि वो किसका कॉल है, क्यों कॉल कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं अभी नहीं हूँ रोडू में, मैं जुब्बल तक आया हूँ। तो उन्होंने काट दिया। 5 मिनट बाद वो फिर से कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको हार्डकोटी मिलते हैं, आप हार्डकोटी मिलो हमारे को। तो मेरे को लगा पता नहीं कौन है, चलो कोई बात नहीं। तो जब मैं और शिवांग भैया पिकअप में वापस आ रहे थे जुब्बल से रोडू की तरफ, तो हार्डकोटी के पास जो बेकरी है, जो माता का मंदिर का गेट है, उसके साथ पीछे को वो लोग अपनी दो गाड़ियों में, उस टाइम दो गाड़ियाँ थी वहाँ पे, वो दो गाड़ियों में रोड पे खड़े थे। तो जब हम रुके वो हमारे को रोकने लगे, शिवांग भैया ने गाड़ी रोकी, उन्होंने शीशा नीचे किया और जो तेजल सिंह चौहान है उसने डायरेक्ट उनको गले से पकड़ा और उनकी शर्ट फाड़ दी। और देखते देखते जो उनके पीछे से और बंदे थे वो अपनी गाड़ियों से स्टील की रॉड्स और डंडे निकाल के हमारी गाड़ी की तरफ आने लगे। शिवांग भैया ने एकदम से वहां से अपनी गाड़ी भगाई और सबसे पहले जुब्बल पुलिस स्टेशन वहां पे कॉल करा। और मैंने उसी वक्त पुलिस स्टेशन रोडू उनको कॉल करी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, हमारे पीछे कुछ बच्चे गाड़ी लेके हमारा पीछा कर रहे हैं। तो देखते देखते कुछ 1 किलोमीटर आगे जाके हमारे पीछे क्या देखा हमने, वहाँ पे थार बिल्कुल रोड में खड़ी है, बीच में दो थार और वो बिल्कुल नाका लगा के खड़ी थी। हमारे दो गाड़ियाँ पीछे थी, ऑल्टो और स्कॉर्पियो। तो मतलब उन्होंने ऐसा इंसिडेंट बना दिया था उस टाइम उसको कि, और वो सारे लड़के नशे में थे जितने भी वो वहाँ पे थे, उनका रात को मेडिकल हुआ है, पुलिस वालों ने उनका मेडिकल कराया, तो वो सारे नशे में पाए गए।
और जब वो हमारा पीछा कर रहे थे, इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे थे, आप वीडियो में देख सकते हैं जो आपके पास अभी यहाँ स्क्रीन में प्ले हो रही होगी, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं वो किस तरह से, उनको पता नहीं चल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं नशे में बिल्कुल। अगर बाय चांस हमारे पास पिकअप की जगह कोई छोटी गाड़ी होती, या मैं तो ये बोलूँगा कि अगर शिवांग भैया की जगह कोई और ड्राइवर होता तो मेरे को नहीं लगता कि हम उस दिन बच पाते। वो लोग, उनको कुछ पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी, जिस तरह से वो नाका लगा रहे थे बीच में, आगे से गाड़ी लगा रहे हैं, पीछे से गाड़ी लगा रहे हैं, तो मतलब वो ऐसा बना रहे थे उस सीन को कि अगर हमारी गाड़ी रुक जाती उस टाइम वहाँ बीच में तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे, वो अपने होश में थे ही नहीं। और उसके बाद हम जैसे हम रोडू की तरफ भागे तो वो लोग 6 गाड़ियां लेके हमारे पीछे चले हुए थे। मतलब वो तो चलो एक इंसिडेंट हुआ, अगर इसी बीच जो हमारी गाड़ी से कोई आदमी हिट हो जाता तो वो तो सीधा सा हमारे साथ था ना कि उन्होंने गाड़ी को हिट करके गए हैं, गाड़ी से हिट करके गए हैं, और कोई आदमी हमारे नीचे आ जाता तो वो तो हमारा उल्टा हमारे ऊपर केस बन जाना था। तो भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम जैसे तैसे करके रोहडू पहुंचे, वहां पे रोहडू पुलिस भी आ गई थी उस टाइम तक, और हमने जो अपने भाइयों को फोन करा था वो लोग भी रोहडू तक आ गए थे। तो इसी बीच एक थार का तो टायर फट गया था पटसारी में ही, तो बाकी एक थार उसी वक्त वहां से गायब हो गई, और बाकी पार्क तक उन्होंने हमारा पीछा करा है, रोहडू पार्क तक हाटकोटी से, जो तेजल सिंह चौहान है वो, मतलब आप वीडियो में देखना वो कैसे गाड़ियों से उतर के बाहर आके डंडों से हमारी पिकअप में मार रहे हैं, आप अभी वीडियो में देख सकते हैं ये कैसे, वो मतलब क्या गुंडागर्दी चलाई है इन्होंने, मतलब यहाँ रोडू के अंदर, मतलब ये समझ क्या रहे अपने आप को, मतलब 20-20 साल के लड़के हैं, मतलब लोग, इनके माँ बाप ने इनको स्कॉर्पियो गाड़ी दी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दी है, और ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे रोडू में, क्या माहौल बना रहे हैं, नशे में धुत हैं, इनको कुछ पता नहीं है हम कर क्या रहे हैं, हम गाय को मार रहे हैं, हम किसी जान, मतलब हम किसी आदमी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब इनके लिए आदमी और जानवर एक बराबर है। अगर उस दिन हमारी गाड़ी भी वहां रुक जाती तो वो भी उस गाय की तरह हमारे को उड़ा के चले जाते और इनको कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो उसके बाद हम जैसे तैसे करके रोहडू पहुंचे, तो वहां पे सारे लोग आए, पुलिस प्रशासन भी आ गई थी, और उसके बाद जब उनका मेडिकल कराए उसके बाद तो सारे नशे में थे। तो ये सब कुछ इंसिडेंट था, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो पिकअप वाला गलत था, कोई अपनी अपनी कहानियां बना रहे सारे लोग। तो जो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि मेरी क्या गलती थी कि वो बंदा एक गाय को मार के, एक बेजुबान जानवर को मार के चला गया, तो लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उसको कुछ ना बोलता, मैं वहां पे चुप रहता। ये जो गाय वाला इंसिडेंट है ये कोई मैंने पहली बार ही नहीं किया है, ये कि गाय को मारा तो मैं उसको बोलने गया। आज से आप सबको बताए रोहडू में, आज से लास्ट ईयर जो हमने, मैंने एक बिच रेस्क्यू करी थी, उसको मैंने 4 महीने अपने पास पाला है, जो हमारे साथ और भी लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, हमने जो वो पैरालाइज हो चुकी थी, हमने उसको अच्छे से व्हील चेयर उसके लिए अरेंज करी डोनेशन करके, जो सबने हमारे को इतनी हेल्प करी थी। तो मतलब पहले से हमारा ये सब कुछ था, और मेरे मुंह के सामने वो एक गाय को मार के चला गया, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं वहां पे चुप रहूं, और मैंने उसको सिर्फ कुछ नहीं बोला, मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे कैसे तू गाड़ी चला रहा है, तू यहाँ गाय को मार के चला गया तेको अभी भी पता नहीं है, अगर तू आदमी को मार के भी चला जाएगा तेको फिर भी पता नहीं चलेगा कुछ। तो ये इंसिडेंट था, और उसने उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। एक हफ्ते बाद जब वो कहीं बैठ के नशे कर रहे होंगे, उनको उस दिन याद आती है और वो मेरे को कॉल करते हैं, उसके बाद ये सारा इंसिडेंट हुआ। तो मैं मतलब रोहडू की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ, जो कि हमारी एक एंटी ड्रग्स की भी जो टीम काम कर रही है, तो वो मतलब इस लेवल से नहीं चलेगा, आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब लोग इस हद तक, ये आज मान लो हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, वो हमारी गाड़ी रुक जाती, हमारे साथ कुछ हो जाता, तो उसके बाद क्या, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता था, हम तो वहाँ पे, हमारा तो करियर बर्बाद था। मैं नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ, 5 बार हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ मैं, अगर वो लोग मेरी टांगे बाजू तोड़ देते तो मेरा तो करियर वहीं पे बर्बाद था। मैं तो ना पढ़ाई के लायक रहता, ना तो अब घर में काम करने के लायक रहता, मैं तो बेड पे हो जाता। तो ये माहौल बना रहे हैं रोडू के अंदर। तो पुलिस प्रशासन से भी मेरी गुजारिश है कि वो इस पे ध्यान दे, इस मैटर की बात नहीं कर रहा, ये तो हमने मैटर कर दिया है। जो
ऐसे लोग हैं और भी इनके अलावा भी है, नशेड़ी हैं, उन पे नज़र रखना और उन पे कार्रवाई करना बहुत 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 ज़रूरी है। अभी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट आया था, एक कोई चिट्टा मार के, एक कौन सा गांव था मेरे को याद नहीं है, उसने अपनी वाइफ को ही काट दिया। तो ऐसे ऐसे केस अगर आते रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि रोडू कहीं जो जिन रोडू का जो नाम जा रहा है कहीं भी इन नशे के मामलों में, वो कहीं रोडू कहीं भी स्टैंड कर पाएगा। आने वाले, मैं साल की बात नहीं करूंगा, आने वाले 5-6 महीने के अंदर रोडू पंजाब जो नीचे ऐसे यूपी वाले जो मर्डर होते हैं वो अभी 5-6 महीने के अंदर रोडों में होने लगेंगे। तो सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, गांव गांव तक, आपके हर गांव में सबको पता है कि कौन नशे कर रहा है, कौन चिट्टा मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। लोगों को आगे आना पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे कल को आपके बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो आप आज जिम्मेवार है उस चीज के। तो ये सब कुछ हुआ था, ये सारा इंसिडेंट था, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी अब रोडू की जनता के ऊपर है, वो कैसे एक्शन लेती है, रोडू का जो प्रशासन है, प्रेस है, मीडिया है, वो कैसे इस चीज के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर अपनी कार्रवाई करता है। तो उम्मीद है कि लोग समझेंगे, आगे आएंगे और रोडू में जो नशाखोरी चली है उसको रोकेंगे। कैसा लगा आपको जिस टाइम गाड़ी चल रही थी तो जब अरे परे से वो लोग आ रहे थे, वो क्या कुछ कर रहे थे? मतलब सचिन भैया, वो इंसिडेंट वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मतलब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बस अभी नहीं तो अभी गए। हम वीडियो में देख रहे हैं कि अरे परे से वो, हाँ उन्होंने बिल्कुल, उनके पास पिस्टल थी, वो पीछे से पिस्टल निकाल रहे थे। हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो 20-20 साल के लड़के हैं, उनके माँ बाप खासकर की जो अपने लिए पता नहीं क्या बनते हैं, उनके माँ बाप ने उनको गाड़ियां दी हुई है, उनको पिस्टल दी हुई है, उनको पता नहीं है, मतलब उन्होंने उनको शह दे रखी है कि बच्चों तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम कुछ कांड करेंगे तो हम तुम्हारे को बचा लेंगे। और वो इंसिडेंट भी ऐसा था कि जैसे मूवीज में होता है ना, चार गाड़ियां इधर से आगे लगा रही है, चार गाड़ियां आपके पीछे लगी है, आप वीडियो में देख सकते हो कि हम कैसे कैसे बच गया। ये तो एक फुटेज है सिर्फ एक सीसीटीवी की, ऐसी ऐसी उन्होंने हमारे को 4-5 बार रोका है। तो जो वो सिनेरियो था, वो सारा इंसिडेंट था, वो तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मतलब शिवांग भैया अगर उस वक्त वो गाड़ी वो वैसे हैंडल नहीं करते, अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो वो केस ही कुछ अलग हो जाना था। तो जो ये इंसिडेंट देखा आपने, जो आपने निकेत से भी सुना कि एक गाय की वजह से, ये एक गाय ही नहीं थी, हम शायद आपको पता है कि हम इनको पूछते भी है, हम इनका दूध भी पीते हैं। मतलब ये चीजें हम लोगों को इन चीजों का ध्यान देना है कि अब गाय को तो नहीं पता, हम लोग तो देख के चल सकते, एक जानवर हमेशा कहीं भी जा सकता है, कहीं ना हम लोगों को खुद देख कर चलना चाहिए रोड में। तो एक जानवर से ये चीज शुरुआत हुई, फिर उन्होंने, वो आदमी चाहता था, अगर ये चाहता था कि वो वहीं पे सॉल्व कर सकता था कि गाय को ले जाता, तो मैं सभी ही बोलूंगा कि जाए, कभी ऐसा इंसिडेंट हो आपके साथ, कभी गाय, कभी चीजें हो जाती है, क्यों है ना अनिकेत, चीजें हो जाती है, तो आप जाओ इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढो कि क्या हुआ, गाय को चोट लगी, कितनी लगी। ज्यादा से ज्यादा वहां से 5 मिनट का रास्ता था, बिल्कुल जहां उसने उसको गाय को टक्कर मारी थी वहां से वो नीचे वाले मोड़ पे रुक गया, वहां से 10 सेकंड का रास्ता है वो। हाँ वही कि 10 सेकंड का रास्ता था, तो शायद अगर वो चले जाता तो इतना बड़ा केस भी न था। चलो वो भी छोड़ो, अगर उसे सॉरी भी मांग दे वहां बाद में, गाय ठीक हुई जो हुआ, तो मेन बात थी फिर वो नशा करके, बात आती है कि नशा में हमारा युद्ध नशा करके क्या कुछ कर रहा है। फिर जब वो नशा करता है तो उसको ये चीज याद आती है कि उसने मेरे लिए बोला, अब कुछ गलत तो बोला नहीं होगा, तो जो भी बोला जहां से वो बात हुई वो नशे से। अभी नशा कितना ज्यादा एक आदमी ऊपर वो करता है ये आप देख रहे हो, जो उन्होंने आपने वीडियोस में देख रहे हो वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो अनिकेत आप क्या बोलेंगे नशे के बारे में, जो यूज कर रहा है आजकल हर जगह जगह पर? जी मैंने पहले भी बताया है कि जिस तरह से ये लोग एक्शन ले रहे हैं नशा करने के बाद, तो ये बिल्कुल भी दूर नहीं है ऐसा टाइम कि लोग खुलेआम रोड में मर्डर करेंगे नशा करके, कि उनको खुद तो उनको कुछ पता होता नहीं है कि वो कर क्या रहे, उनको होश नहीं होती है, तो ऐसे में तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन SHO साहब ने उस स्कॉर्पियो का चलान करा है, किस रीजन से कि उसने SHO साहब को ही उड़ा दिया था गाड़ी से, क्योंकि वो इतनी स्पीड में इतनी रफ ड्राइविंग कर रहा था, और जिस दिन उसने गाय को टक्कर मारी है
उस गाड़ी वाले ने उस दिन भी उसका चलान हुआ हुआ है उस स्कॉर्पियो का। हम देखते हैं हमारा ब्रारा रोड है, वहां पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे रोड पे खेल रहे होते हैं, तो अगर एक नशेड़ी अपनी गाड़ी लेके ऐसे भागेगा तो वो पता नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा कितने बच्चों को उड़ा के चले जाएगा वो। तो इस पे कार्रवाई करना, नशे को रोकना, ये अब हम सबके हाथ में है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, घर पे देख रहे हैं, अपने अपने लेवल पे अपने जितना आप कर सकते हैं, आप जो भी आप इसको रोकने के लिए कर सकते हैं, आपको आगे आना पड़ेगा। क्यों? आपके अपने बच्चों के लिए, ताकि आपके अपने बच्चों का फ्यूचर ठीक हो। तो ये थी अभी तक की स्टोरी जो हमने अनिकेत, मिस्टर अनिकेत ध्यान से सुनी कि क्या कुछ हुआ एक बेजवान जानवर को जिस तरह मारा उन्होंने। फिर देखना जहां पे उनको उसको देखना चाहिए था, जहां उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, उसके बजाय वो एक हफ्ते बाद अनिकेत जान के साथ वो लड़ाई करना चाहते कि तू हमारे को क्या बोल रहा था। तो गाइज ये देखो आप लोग की क्या कुछ हो रहा है सिर्फ एक नशे की वजह से। ये नशा बहुत गलत करा रहा है। आप लोग देखिए कि नशा कहां तक पहुंच रहा है। ये लोग गाड़ियां बजा रहे हैं, गाड़ियों से मार रहे हैं डंडे। अगर मतलब अगर बाय चांस इनकी गाड़ी रुक भी जाती तो क्या कुछ हो जाता। मतलब ये दोनों भगवान के उससे क्या पता कुछ गलत हो जाता, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी तो आप लोगों को पता लग गया होना कि क्या कुछ हमने बताया आपको, क्या स्टोरी थी जो अनिकेत रियान ने आपको बताई, क्या वहां पे हुआ था, किस वजह से हुआ था, जहां पे एक बेजवान जानवर को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उन्हें इसके साथ एक हफ्ते बाद लड़ने चले हैं, वो भी सिर्फ एक नशे की वजह से। तो आप लोग अपनी राय जरूर बताए कि क्या गलत है कि क्या सही है। और हम जैसे कि जिस टाइम हम लोग पुलिस स्टेशन में भी थे, तो जब वो जो जो विक्टम्स थे जो थे वो, तो उन लोग क्या बोल रहे थे कि हमारे को लगा कि गोरखा है। वो लोग वहां पे पुलिस स्टेशन में बोल रहे कि वो लोग हमारे को लगा कि गोरखा चला रहा है पिकअप। अब पिकअप जो मर्जी चला रहा है, आप सही गलत देखो, आप नशे में हो कि नहीं हो, अब वो चीज देखो, अब गाड़ी जो मर्जी चला रहा हो ये एक मेन चीज नहीं है। आप नशे में क्या कर रहे हो, अगर गोरखा भी होता तो आप उसको मार थोड़ी ना सकते थे। आपने खुद क्या किया वो भी देखो, और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखे, और इसको इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और कोई गलत अफवाह नहीं फैलाए कि पिकअप वाले ने गाड़ी बजाकर भाग रहा था या फिर कुछ और। ये इंसिडेंट हमने आपको पूरा बता दिया है कि क्या कुछ हुआ था। अनिकेत ने आपको सारा बता दिया है, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर स्टोरी एंड हो रही है। थैंक यू।